नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और अब देखिए ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें 7 से 8 प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है क्योंकि ये टेक्निकल प्रोफाइल है और ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। ये रिक्वायरमेंट सिंगापुर के लिए है जिसमें से NTS वर्क परमिट मिलेगा, मीन्स वर्क परमिट कैटेगरी का वीजा होगा। तो जो लोग वर्क परमिट कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी में मेंटेनेंस वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली टेक्निकल है तो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट को अपने फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों इसमें ट्रबल शूटिंग का काम आना चाहिए, मेंटेनेंस का काम आना चाहिए, और उनको जो वर्क होगा उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू लेने के बाद ही कंफर्म करेंगे, और एक पॉइंट है कि अगर क्लाइंट ने कंफर्म किया तो वीजा डेफिनेटली आएगा। यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि वर्क परमिट कैटेगरी के वीजा है तो यूपी बिहार बंगाल के लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल कैंडिडेट जो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 2100 से लेकर 2800 सिंगापुर डॉलर, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ये सैलरी बेसिक सैलरी है 2100 से 2800 के बीच में। ओटी रहेगी वो 1.5 गुना रहेगी, जो कि 1.5 गुना जो वहां का लेबर लॉ होता है उसके हिसाब से ओटी मिलने वाली है, और ओटी मिलेगी इसमें। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में कोई भी कैंडिडेट जो डिप्लोमा या डिग्री हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की होती है लेकिन टेक्निकल फील्ड में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि बीई होना जरूरी है या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना जरूरी है। कोई भी कैंडिडेट अगर उन्होंने जो ग्रेजुएशन की, कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की, अगर उनको एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट वगैरह है, नॉलेज है, अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टेक्निकल होंगे तो डेफिनेटली इसका प्लस पॉइंट मिलेगा। जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डिग्री होल्डर होंगे ना उनको प्रायोरिटी मिलेगी। जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सैलरी काफी अच्छी है, 2100 से लेकर 2800 सिंगापुर डॉलर। दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली 7 से 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट लाइक इतनी अच्छी सैलरी आप देख सकते हैं, और जो टेक्निकल प्रोफाइल्स होती है ना वो रिक्वायरमेंट कम ही आती है। और वीजा है वर्क परमिट वीजा जो कि बहुत जल्दी इश्यू होगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो टीम को कॉन्टेक्ट करें, और जो डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करेंगे उसके बाद मैं टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। टाइमिंग दिया जाता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वीडियो होता है जिस वीडियो में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसी कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया जाएगा उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग्स को शेयर कर सकते हैं जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।